स्टूडेंट्स, सो दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. इन फर्स्ट पार्ट वी लर्न अबाउट फूड, टाइप्स ऑफ फूड लाइक बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. ओके, सो इन दिस सेकेंड पार्ट वी विल लर्न अबाउट बैलेंस्ड डाइट, मील्स इन अ डे, सम गुड ईटिंग हैबिट्स. सो लेट्स स्टार्ट. बैलेंस्ड डाइट, अ डाइट विच कंटेन्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द राइट क्वांटिटी इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट जो है एक ऐसा डाइट होता है जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, अगर शॉर्ट में हम बोलें कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं राइट क्वांटिटी, मतलब कि जिसको जिस क्वांटिटी में होना चाहिए, अगर जो है सब अच्छे अच्छे अमाउंट में, मतलब कि अपने करेक्ट अमाउंट वो क्वांटिटी में रहते हैं, तो ऐसे डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट. ठीक, वी शुड इंक्लूड मिल्क, राइस, कर्ड, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स, पल्सेस, फ्रूट्स, बटर, ऑयल एक्सेट्रा इन आवर डाइट एज रिक्वायर्ड. हमें जो है अपने डाइट में जो है मिल्क को भी इंक्लूड करना चाहिए, राइस मतलब चावल, कर्ड यानी दही, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स, पल्सेस, फ्रूट्स, बटर, इन सब को जो है हमें अपने डाइट में जो है शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है हमारी डाइट के लिए बहुत ज़रूरी भी होती है. अब आप ही सोचो, अब केवल क्या हम प्रोटीन ही खाएंगे? प्रोटीन से तो सिर्फ होगा नहीं, क्योंकि प्रोटीन तो सिर्फ ग्रो करने में हेल्प करता है और रिपेयर करने में हेल्प करता है, एनर्जी तो नहीं देता है. तो अब क्या केवल कार्बोहाइड्रेट से सिर्फ हम एनर्जी ले लें? अगर हम सिर्फ एनर्जी की ही हम लेंगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे? तो इसीलिए एक ऐसा डाइट हमें डेली खाना चाहिए जो कि बैलेंस्ड हो, मतलब कि सभी न्यूट्रिएंट्स उसमें जो है करेक्ट अमाउंट में हो, राइट क्वांटिटी में हो. ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर, इट हेल्प्स योर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली एंड डाइजेस्ट फूड. सेफ एंड क्लीन वाटर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मैनी डिजीजेस, सो वी मस्ट ड्रिंक इनफ वाटर. और हमें जो है ढेर सारा साफ पानी पीना भी नहीं भूलना चाहिए. प्रॉपर अमाउंट में हमें वाटर पीना चाहिए, लेकिन क्लीन वाटर. ठीक है, क्योंकि अगर हम अच्छे से अपने मतलब कि पानी पीते हैं, खूब अच्छे अमाउंट में पानी पीते हैं, तो इससे हमारी बॉडी जो है बहुत ही प्रॉपरली फंक्शन करेगी, मतलब कि हमारी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करेगी अंदर से, और इससे जो है हमारा फूड भी डाइजेस्ट हो जाएगा. ठीक है, और ये साफ पानी पीने से जो है हमें कई सारी डिजीज़ भी नहीं होती हैं, है ना? तो इसलिए हमें जो है काफ़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए. मील्स इन अ डे, एक दिन में कब कब हम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं. अ डाइट विच वी ईट एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे इज कॉल्ड अ मील. एक डाइट जिसे हम जो है एक दिन में पर्टिकुलर टाइम पे खाते हैं उसे हम मील्स बोलते हैं. वी ईट थ्री मेन मील्स इन अ डे, मतलब कि मेन तौर, मतलब कि अगर मेनली देखा जाए तो हम लोग एक दिन में तीन बार खाना खाते हैं, है ना? लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. मतलब कि ब्रेकफास्ट, एक हम ब्रेकफास्ट खाते हैं, देन लंच खाते हैं, और देन क्या खाते हैं? डिनर खाते हैं. वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, लंच एट नून एंड डिनर एट नाइट. इन बिटवीन आवर मील्स वी मे ईट अ स्मॉल मील विच इज़ कॉल्ड अ स्नैक. वी शुड ऑलवेज ईट आवर मील्स एट अ फिक्स्ड टाइम एवरी डे. हम लोग जो है ब्रेकफास्ट को मॉर्निंग में खाते हैं, मतलब कि जब हम मॉर्निंग जो खाना खाते हैं उसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, दोपहर में जो हम खाना खाते हैं उसको लंच बोलते हैं, और रात के टाइम हम लोग जो खाना खाते हैं उसको डिनर बोलते हैं. ठीक, तो और इन सब के बीच में जो है हम लोग जो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, जैसे कि छोटी छोटी भूख लग जाती है ना, कि कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्नैक बोलते हैं. तो हमें हमेशा जो है फिक्स्ड टाइम पे खाना खाना चाहिए. ठीक है, सम गुड ईटिंग हैबिट्स, यहाँ पे कुछ ईटिंग हैबिट्स हैं, अच्छी ईटिंग हैबिट्स हैं, और इन्हें हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए. ये सिर्फ बुक्स में ही नहीं रहनी चाहिए, हमें इन्हें रियल लाइफ में भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही अगर हम रहेंगे तभी तो हम सेफ रहेंगे ना डिजीज़ से. वी शुड ईट फूड एट फिक्स्ड आवर, ईटिंग एट एनी टाइम इज़ अ बैड हैबिट. हमें जो है फिक्स्ड आवर, मतलब कि एकदम करेक्ट टाइम पे हमें खाना खाना चाहिए,
मतलब कि अलग अलग हमें जब कभी भी मन किया तब खा लिया तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ये एक बैड हैबिट है। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, हमें जो है खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद जो है अपने दोनों हाथों को जो है अच्छे से वॉश करके ही खाना खाना चाहिए। वी शुड नॉट ओवर ईट, इट कैन कॉज इलनेस, हमें बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब कि जितनी की नीड है सिर्फ उतना ही खाना चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में खाना नहीं खाना चाहिए, इससे क्या होगा हमें बीमारी हो जाएगी, इलनेस मतलब कि बीमारी हो गया है ना। वी शुड ईट फ्रेश एंड हेल्दी फूड, हमें फ्रेश और हेल्दी फूड ही खाना चाहिए। वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड, इट मेक्स अस फैट एंड कॉजेज इलनेस, हमें जो है हमेशा जो है अवॉइड करना चाहिए जंक फूड को, क्योंकि इससे जो है हमें फैट हो जाए, मतलब कि हमारे बॉडी में अननेसेसरी का फैट स्टोर होगा और कई सारी बीमारी भी होगी है ना। जंक फूड लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मैक्रोनी, ये सब होते हैं ठीक है। ऑलवेज ईट कवर्ड फूड, अनकवर्ड फूड सोल्ड आउटसाइड में कंटेन डर्ट, डस्ट, जर्म्स एक्सेट्रा विच कैन कॉज डिजीजेज, हमेशा हमें जो है कवर्ड फूड खाना चाहिए, मतलब कि ढके हुए खाने को ही खाना चाहिए, अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जैसे कि अनकवर्ड फूड, जैसे कि आप देखे होंगे रोड के साइड पे, रोड के साइड में आप देखे होंगे बहुत सारे लोग जो है दुकान शॉप लगाते हैं, अंकल लोग आप देखे होंगे शॉप में जो है कई सारे आइटम्स आपने देखा होगा कि खुले हुए में रहते हैं, तो उन सब खाने को हमें नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो रोड के साइड में है, तो अब बताइए गाड़ी चल रही है तो डस्ट उड़ रही होगी, तो वो डस्ट भी तो जा करके उस फूड के ऊपर बैठती है कि नहीं बैठती है, और कई सारे जर्म्स भी उसके साथ उसमें जाते हैं, तो यही खाना अब अगर हम लोग खाएंगे तो हमें क्या होगा, बीमारी होगी कि नहीं होगी, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। Avoid eating too much sweets, chocolates and cold drinks. It can cause tooth decay. और बहुत सारे मीठा भी नहीं खाना चाहिए, chocolates, cold drinks को भी avoid करना चाहिए, मतलब कि एक limit में खाओ ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा खाना इसको avoid करना चाहिए ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे दांतों में कीड़े लग जाएंगे, दांतों की कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है इससे। वी शुड ईट इन क्लीन प्लेट्स एंड एट अ क्लीन प्लेस, हमें जो है साफ प्लेट में खाना खाना चाहिए और साफ जगह पे खाना खाना चाहिए। वी शुड ईट स्लोली एंड च्यू आवर फूड वेल, हमें धीरे धीरे अच्छे से फूड को प्रॉपरली चबा करके खाना चाहिए। वी शुड ड्रिंक ओनली क्लीन एंड सेफ वाटर इज इन इनफ क्वांटिटी, हमें जो है केवल साफ पानी ही पीना चाहिए, और भी इनफ क्वांटिटी मतलब कि अच्छी खासी मात्रा में हमें जो है साफ पानी पीते रहना चाहिए, तभी तो हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली फंक्शन करेगी है ना। तो ये चैप्टर आपको मैंने समझा दिया है, ओके, थैंक यू वेरी मच।